नमो नमः आचार्य गुरुदेव। खुश रहिए। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न था कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम आसन क्यों बिछाते हैं? आसन बिछाना जरूरी होता है। हम पूजा करते हैं तो आसन इसलिए बिछाते हैं क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है जी। और हम पृथ्वी माता को पहले वस्त्र, आसन रूपी वस्त्र दे करके फिर उसके ऊपर माँ हमें अपने साड़ी, माँ पहले कपड़े पहनती है फिर हमें अपनी गोद में लेती है। उसी प्रकार हम आसन इसलिए बिछाते हैं क्योंकि आसन बिछाना पूजा में हमारे मन को केंद्रित करने में आसन का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, मन के भटकाव। इसलिए आसन कोई भी ना हो, आसन पवित्र होनी चाहिए, वही हो जिस पे आप बैठते हो, उसी पे बैठ के खा ली या उसी पे बैठ के पूजा कर ली, ऐसा नहीं। आसन शुद्ध होगी तो विचार भी शुद्ध होंगे, इसलिए आसन का बहुत बड़ा महत्व है। व्याख्या करूं तो आसन की बड़ी व्याख्या हो जाएगी, बस ये समझिएगा कि जरूरी है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सीता मैया जब शादी होकर आई जो उन्हें खाना क्यों ना खाया दशरथ जी के यहाँ? शादी होके आई तो खाना क्यों ना खाया? खाई थी, आपको किसने बोला भूखी थोड़ी रहेंगी? सुनी हमने जी के 7-8 दिन खाना ना खाया जिन्होंने। 7-8 दिन तो ऐसा होता है कि सामान्य लड़की भी पैदा होती है तो अपने माँ बाप की याद में ही वो भीगी रहती है, उसे भूख प्यास नहीं लगती। तो सामान्य लड़की भी ऐसा कई बार हो जाता है, कुछ दिन ना खाए अच्छा ना लगे वहाँ का। तो कुछ और सुनाओ जी। मैं क्या सुना आपने? वो यूँ करे जी की उनमें कोई पाप लगाओ उसमें खाना नहीं खाऊंगी जब तक यज्ञ नहीं होगी घर पे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, रामायण में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अब कोई अपने मन से कुछ भी बता दे तो बताई बात मान्य नहीं होगी। ठीक है जी राधे। मैंने शास्त्रों में जो लिखा है वो मान्य है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक है जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरु जी मेरा 16 साल का बेटा है और 2005 में 2 अगस्त का उसका जन्म है। इतना क्रोधित है कि हमने सब उपाय करके थक गई, मानता ही नहीं है, जान पे आने को तुल जाता है। कभी बार कहता है छत से गिर जाऊंगा, कई बार कहता है गाड़ी एक्सीडेंट कर दूंगा। उससे बोलो कथा सुना करे, मन इतना शांत क्यों हो उसका? मानता ही नहीं है गुरु जी। कहाँ है? अभी आया था हमारे साथ और निकल गया स्टेशन के लिए हमें छोड़ के। चलो, मन की अशांति के लिए कथा सुनना चाहिए ताकि मन शांत हो। गुरु जी कोई उपाय? उपाय बता तो रहे हैं, कथा माँ सुनता ही नहीं है गुरु जी। कितना अब फिर हॉस्पिटल गए बिना इलाज कैसे होगा? क्या करूँ जी गुरु जी, थक गई हूँ, समझा समझा के सुनता ही भगवान नहीं। पर छोड़ दो, शंकर जी भी थक गए थे सती माता को समझा कर। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे या बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका भगवान करेगा। और गुरु जी मैं 5-6 सालों से यहाँ बहुत ज़्यादा आना चाहती थी और आज पहली बार आई और पहली बार में आपसे दर्शन हुआ, बात हुआ, मेरा तो धन्य जीवन हो गया। खुश रहिए, खुश रहिए।